लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी दावा कर रही है। बीजेपी की सियासी ताकत के पीछे महिला वोटर्स की भूमिका अहम रही है, जिन्हें साधकर पीएम मोदी ने 2014 और 2019 की चुनावी जंग फतह नहीं की बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। इसी के चलते बीते कई सालों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान सबसे बड़ा फोकस महिलाओं पर रखा है। यह भी बात सच है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहना फैक्टर को खूब उछाला था और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत भी हासिल हुई, लेकिन महिलाओं में इस बार वोटिंग को लेकर उत्साह नजर नहीं आया। यही नहीं, बीते लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले करीब 4.5% की कमी भी आई। मध्य प्रदेश में 4 चरणों के मतदान में मतदान प्रतिशत, पहले चरण में महिला वोटिंग 66.91% हुई, दूसरे चरण में पुरुष वोटिंग 61.54% हुई, दूसरे चरण में महिला वोटिंग 55.37% हुई, तीसरे चरण में पुरुष वोटिंग 69.70% हुई, तीसरे चरण में महिला वोटिंग 63.53% हुई, चौथे चरण में पुरुष वोटिंग 69.37% हुई, चौथे चरण में महिला वोटिंग 64.24% हुई। बीते विधानसभा चुनाव में जीत का बढ़ा फैक्टर महिलाओं का भी रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट डालने निकलती हैं और नतीजों में बीजेपी की जीत हासिल होती रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की दिलचस्पी कम देखने को मिली है। महिलाओं की वोटिंग के प्रति घटी दिलचस्पी से बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे हो सकती हैं। 2024 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 64.24%, 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 68.67% रहा, पिछले चुनाव के मुकाबले गिरावट 4.43%। और विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो बीजेपी की सरकार बनाने वाले महिला वोटर्स विधानसभा चुनाव में बंपर वोट करती रही हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2018 में महिला वोटिंग 74.3% हुई, 2023 में 76.3% वोटिंग हुई। इन दोनों चुनावों में दोनों ही दलों ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की थी। बीजेपी ने तो लाडली बहना योजना को गेम चेंजर करार दिया। बिल्कुल नहीं मानती मैं ऐसा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, लेकिन चूंकि विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर थी, इस दृष्टि से मैं ये कह सकती हूँ कि जितना महिलाओं का वोट डला है वो हमारी समर्थक महिलाएं रही। जाहिर है कि इस बार की महिलाओं का घटता वोट प्रतिशत उनकी घटती दिलचस्पी करार देता है। मौजूदा चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए खाते में डाले जाएंगे। वहीं बीजेपी लाडली बहना को लेकर फिर मैदान में थी, बावजूद उसके महिलाओं ने पोलिंग बूथ पर पहुंचने में उत्साह नहीं दिखाया। कहते हैं आधी आबादी जिस दल का रुख कर ले उस दल को सत्ता मिल जाती है, और इसीलिए हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि महिलाओं पर फोकस रखा जाए। बीते विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी और नतीजा ये हुआ कि महिलाएं बड़ी तादाद में घर से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंची। सत्ता बीजेपी को मिली, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन में महिला वोटर्स की घटती दिलचस्पी एक नया सस्पेंस खड़ा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब वक्त हो गया आज की तस्वीर का।